नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी सिविल लाइन इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंट टॉपिक यानी कि यूजीसी ने फर्स्ट पेपर के एनवायरमेंट यूनिट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे, जिस पर आज ओजोन नामक यूनिट पर चर्चा होगी। ओजोन क्या है, ओजोन के विषय में एक डेप्थ एनालिसिस करूंगा। तो आप लोग स्क्रीन को शेयर करते चलिए, मैं मैटर को क्लियर करता चलता हूँ। ओजोन क्या है, तो ओजोन की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्पॉनबियन ने किया। ओजोन वाज डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्पॉनबियन। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता में ओजोन पृथ्वी तल से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के मध्य में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, यानी समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। मैंने कुछ लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के गैसेस विद्यमान हैं। अब पृथ्वी के ऊपर बहुत प्रकार के गैसेस कहाँ से आए, इस संबंध में मैंने आपको बताया था कि मे भी ऐसा वैज्ञानिकों द्वारा माना जाता है कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी के आसपास कालांतर में यानी कभी ऐसा हुआ हो कि कोई कॉमेट गुजरा हो जिसमें बड़ी मात्रा में वायु राशियां रही हो, एयर मासेस रहे हो और वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव वश पृथ्वी पर आ गए हो। अब ऐसा होता है कि एक कॉमेट जब देखा जाए तो वो काफी हैवी ग्रेविटेशनल फोर्स को बना के चल रहा होता है, इसकी वजह से उसकी एक लंबी सी पूंछ यानी टेल दिखने लगता है। वास्तव में एक ये पिंड ही हुआ करता है जो कि काफी बड़ी मात्रा में ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ होता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के रूप में देखा जाए तो यहाँ पर ये कॉमेट क्या करता है कि जब किसी ग्रह के आसपास से गुजरता है तो वह उस पर से जो वायु राशियां हैं, यहाँ तक कि स्टोन्स है इत्यादि को एब्सॉर्ब कर लेता है, खींच लेता है, पुल कर लेता है। परिणाम स्वरूप जितनी भरी भारी डेंसिटी होती है वो बहुत क्लोज और जितनी दूर हल्की डेंसिटी की होंगी वो दूर तक एक तेल के रूप में विद्यमान। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के आसपास से कभी कोई कॉमेट ऐसा गुजरा हो जिसकी टेल में जो एयर मासेस थे वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से पृथ्वी पर आ गए। ऐसे ही दशा में पृथ्वी पर ये एयर मासेस बड़े पैमाने पर छा गए और अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग ये पृथ्वी को घेर लेता है, अपनी अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग पृथ्वी को घेर लेता है। अब इसी में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड विषय मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि वो एक हैवी गैस है और इसके वजह से वो पृथ्वी की चारों ओर चिपक गई यानी कि चमक कर विद्यमान हुई। पृथ्वी के चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड की पतली सी परत, इसकी मात्रा तो बहुत कम है लेकिन इसने पृथ्वी को चारों ओर से कवर कर दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की विशेषता है कि जो वेजिटेशन है वो इसी की देन है और इस प्रकार से पृथ्वी पर हरियाली छा गई। इसी क्रम में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तमाम अन्य गैसेस पृथ्वी को घेर लिए। अब इसी क्रम में एक गैस है ओजोन। ओजोन जिसके विषय में मैंने आपको चर्चा किया कि 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर के रेंज में पाया जाता है, यानी पृथ्वी की सतह से अगर हम जाएं तो 10 किलोमीटर की रेंज में ये मिलना शुरू होगा और 10 से 50 किलोमीटर की रेंज में ये पाया जाएगा। अब ओजोन जो है वो हल्की होने के वजह से एटमॉस्फेयर में ऊपर निकल गया। आप समझ सकते हैं, मैं ये यहाँ पर एक डॉट लाइन बना रहा हूँ। ओजोन जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हल्की होने के वजह से ऊपर को निकल गया। ओजोन वास्तव में देखा जाए तो एक अनसैचुरेटेड गैस है। अनसैचुरेटेड का मतलब कि इसके कंपाउंड्स कंप्लीट नहीं है, इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। अब ऐसा कहा जाए तो ये हाँ इसका जो कंपाउंड्स है इस कंप्लीट नहीं है। परिणाम स्वरूप ओजोन गैस जो है वो पूरे लेयर में चपकी तो है लेकिन ओजोन के प्लेट्स कंप्लीट नहीं है, परिणाम से वो अनसैचुरेटेड गैस के रूप में विद्यमान है। अनसैचुरेटेड गैस यानी ये कहता है कि इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये कंप्लीट कंपाउंड में बदल जाए।
जैसे ऑक्सीजन एक कंप्लीट कंपाउंड है O2, लेकिन O3 ओजोन का जो फॉर्मूला है वो O3 है, यानी इसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ये किसी भी प्रकार के एक O मॉलिक्यूल को पा जाए, यानी O3 प्लस कहीं से O पा जाए, इट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू O2, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बदल दे, कंप्लीट हो जाए, और इस प्रकार से कंप्लीट होते ये नीचे की ओर भारी होकर गिर जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन ओजोन वो लेस हो जाएगा। अब ओजोन की सर ये टू ओ टू है ये, दो ऑक्सीजन बन जाएगा, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये कैसे, NO भी मिल सकता है, CO भी कार्बन मोनोऑक्साइड, NO नाइट्रस ऑक्साइड, ये NO है, CO, इस प्रकार से कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड उसके पास पहुंचेगा तो वो क्या करेगा, उससे वो निकाल लेगा और अपने आप को कंप्लीट कर लेगा, अपने आप को कंप्लीट कर ओजोन के रूप में परिवर्तित होकर वो वापस पृथ्वी के सतह पे आ जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, ऑक्सीजन के रूप में परिवर्तित होकर पृथ्वी के सतह पे आ जाएगा, बड़ी अच्छी बात है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन नुकसान क्या होगा, ओजोन की मात्रा घट जाएगी। अब ओजोन की मात्रा अगर घटती है तब सबसे बड़ा नुकसान यह होगा कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी से सूर्य की परावैजनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है, अब सूर्य की जो परावैजनी किरणें पृथ्वी पर आ रही है वो सूर्य की परावैजनी किरणें इसी ओजोन की वजह से लगभग 97-99% वापस अंतरिक्ष में लौट जाते, यानी वो वापस अंतरिक्ष में चली जाती 99-97%, और इनके वापस जाने की वजह से पृथ्वी की रक्षा हो जाती है, यानी पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर लेवल मेंटेन है, इसीलिए से समताप मंडल बोला जाता है, यहाँ तापमान समताप होता है, इक्विवेलेंसी होता है, मेंटेन किया जाता है। अब ओजोन का एक वाइटल रोल हो गया पृथ्वी पर जीवन लाने के लिए, जितना कि ऑक्सीजन उससे भी कहीं गुना देखा जाए तो ओजोन का वाइटल रोल, क्योंकि अगर यहाँ पर ओजोन धीरे से घट जाए या खत्म हो जाए तो पृथ्वी पर बड़े पैमाने पर अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी यूवी चले आएंगे, और अल्ट्रा वायलेट किरणें पृथ्वी को जलाकर राख कर देगी, परिणाम स्वरूप मंगल ग्रह जैसा ही परिवर्तित हो जाएगा और बहुत ऊष्मा, ग्लोबल वार्मिंग और पूरी पानी उबल के रह जाए। अब सोचिए अगर समुद्र के पानी उबल रहे हैं, सारे आइसबर्ग गल गए हैं, हिमालय पे बर्फ जमी सब ढल गई, पोलर क्षेत्र रीजन सब समाप्त हो गया और सिर्फ वाष्पन पानी ही पानी हो, तो आप देखेंगे कि पूरी पृथ्वी पर भूमि नाम की चीज नहीं रह जाएगी, पानी की मात्रा इतनी अधिक है कि सिर्फ जलमग्न हो जाएगी भूमि, और अधिकतर वाष्पन होगा और बादल होगा और बारिश होगी, यानी सिर्फ बारिश होगी, सिफारिश होगी और सारे पृथ्वी पर समुद्र जैसी कहा जाए समुद्र मंडल बन जाए, ओशन ही ओशन होगा। सर एक क्वेश्चन, सर जैसे अभी इस बार जो देखा गया है जो हेल स्टॉर्म हुआ है, जो ओले पड़े हैं वहाँ बहुत बड़े मतलब उनका जो वो था छोटे छोटे बड़े बड़े ओले दिख रहे थे, उनका रूप बहुत बड़ा था, तो क्या वो इसी का कारण था? और ये चीज मैंने खुद देखी है जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी पिछले 20 सालों में, और अब जो देखी है वो ऐसा था कि उसने गाड़ी को तोड़ दिया या मतलब बहुत बड़े, वो 5-5 किलो का था, 5 kg 10 kg तक के देखे गए थे, तो क्या उसका कारण यही था? रियली देखिए सिर्फ ओजोन नहीं, ग्लोबल वार्मिंग और ये जो क्लाइमेट का असमय बनना बिगड़ना, ये सब कुछ जो है अत्यधिक रूप से ओजोन मंडल के क्षय होने से बुरा है। इसके साथ ही साथ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रभाव से कार्बन एमिशन की मात्रा बढ़ रही है, जिससे सिर्फ ओजोन मंडल ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की जो कहा जाए क्लाइमेटिक रूप से क्लाइमेट को नुकसान पहुंचाने वाले रीजंस देखने मिल रहा है या कारण देखने को मिल रहा है। अब इसमें ओजोन मंडल अगर फट रहा है तो ओजोन मंडल के फटने से क्या होगा, पृथ्वी पर यूवी की किरणें बढ़ेंगी तो गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो आइसबर्ग्स पर बनेंगे और वाष्पन अधिक होगा, वाटर वेपर बहुत बनेंगे, बादल बनेंगे और बारिश की मात्रा बढ़ेगी और उससे क्या होगा, फ्लड्स आएंगे, उससे विभिन्न प्रकार की समस्या और बेसमय मौसम बारिश हो जाएगा तो जिससे अनाज खराब होगा, बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। और इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि धीरे धीरे आइस लेवल देखा ओशन लेवल उठता जा रहा है,
परिणाम स्वरूप जो छोटे छोटे द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, वो जलमग्न होते जा रहे हैं। लगभग 2 लाख से अधिक विश्व में द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप थे, वो धीरे धीरे अब समुद्र के अंदर समा चुके हैं। ये प्रक्रिया अगर चलती रही, ऐसे ही होता रहा, तो आने वाले समय में ये स्थिति हो जाएगी कि भारत का नक्शा बहुत छोटा हो जाएगा, श्रीलंका गायब हो चुका होगा, मालदीव अंदर जा चुका होगा, मेडागास्कर समा चुका होगा, और फिर जीवन जीने के लिए हम पहाड़ों पर जाएंगे। बड़ी दुर्लभ स्थिति होगी। अतः यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग को रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन की वजह से उत्पन्न हो रहा है। पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी पर ये अनसैचुरेटेड लेवल बढ़ रहे हैं, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ा, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ा, ये सारे जितने सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे चीजें अनसैचुरेटेड हैं और ये ऊपर गए। सपोज करिए SO है, SO ऊपर गया, तो वो हल्का होने की वजह से ओजोन तक पहुंच जाएगा और ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और ऑक्सीजन बन के नीचे चला आ जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ओजोन खत्म हो जाएगा। इसी तरह से एनो नाइट्रस ऑक्साइड चला गया तो उसमें भी इस तरीके से ऑक्साइड्स जो कि अनसैचुरेटेड एलिमेंट है, ये जैसे जैसे ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे नुकसान। अभी ऑक्साइड पनपते कैसे हैं? ऑक्साइड जाहिर सी बात है, विभिन्न प्रकार की जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में गुजरते हैं, अब बड़े बड़े ईंट भट्टे हैं जहां पर नाइट्रोजन बनप रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड बनप रहे हैं, और वो हल्की होने की वजह से ऊपर निकल जाते हैं। एसी के कूलिंग से निकलने वाला, फ्रिज के रेफ्रिजरेशन से निकलने वाली गैस, ये सारी कुछ ऐसे गैसेस हैं जो धीरे धीरे अंतरिक्ष में यानी कि ओजोन मंडल को पहुंचकर क्षति पहुंचाते हैं। अब इस प्रकार से ओजोन मंडल की क्षति देखने को मिल रही है। अब मैं और कुछ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, ओजोन परत के विषय में चर्चा करेंगे, तो स्क्रीन को देखते हैं। ओजोन परत, अब ओजोन परत की खोज किसने की? तो चार्ल्स फैब्रिक हेनरी ब्यूसन ने सन 1913 में ओजोन परत की खोज की। ओजोन की सांद्रता नापने के लिए डॉब्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। डॉब्सन यूनिट, जैसे कि हम लोग जनरल थर्मामीटर सेल्सियस में नापते हैं, ऐसे ओजोन की नापने के लिए जो यूनिट का प्रयोग किया गया वो डॉब्सन यूनिट है। सूर्य से बड़ी मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आती, यदि ये पूर्ण मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचे तो पृथ्वी पर जीवन को बड़ी मात्रा में हानि पहुंचेगी। ऐसे में ओजोन परत पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच का निर्माण करता है और यह 97 से 99% तक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित यानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही यह पृथ्वी पर तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब ओजोन सतह को प्रभावित करने वाली गैसों की बात करें तो सबसे पहले नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओज, ये भी मैंने आपसे चर्चा की, नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन, क्लोरीन सीएल, क्लोरीन, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्योंकि जिसमें आप देख रहे हैं कि ये O है तो एक मॉलिक्यूल जाएगा और वो ओजोन के साथ रिएक्ट करके उसको तोड़ देगा। ब्रोमीन, ब्रोमीन जो है ये भी एक प्रकार से विखंडक तत्व है, यानी ये भी ओजोन को तोड़ता है। क्लोरीन भी कहा जाए तो ब्लीचिंग एक्शन करता है और ओजोन को तोड़ देगा। हाइड्रोक्सिल्स OH, ये दोनों अपने आप में अनसैचुरेटेड तत्व हैं और ये जैसे ही ऊपर अंतरिक्ष में पहुंचेंगे ओजोन मंडल को क्षय पहुंचाएंगे। ओजोन परत के क्षय से उत्पन्न होने वाली विकृतियों की चर्चा की जाए तो जो सबसे ज्यादा विकृति स्टार्टिंग लेवल पे देखा जाए वो है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर, अब अल्ट्रावायलेट किरणें अगर पृथ्वी पर बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है एक साथ नहीं कि 99% एक साथ आने लगे, वो धीरे धीरे प्रतिशतता बढ़ेगी, 1%, 2%, 3%, ऐसी गति के अनुसार पृथ्वी पर नुकसान देखने को हमें मिलेगा। तो अल्ट्रावायलेट किरणें जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे पृथ्वी पर एक प्रकार से एटमोस्फेयर बिगड़ने लगेगा और पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा। तो जैसे ही पृथ्वी पे तापमान बढ़ेगा तो हमारे स्किन पर इसका नुकसान हमें देखने को मिलेगा और स्किन पर कैंसर होने की संभावना रहती है। कैंसर क्या है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। व्हाट इज कैंसर? कैंसर एक फिनोमेना है जिसमें शरीर की जो सेल्स हैं वो बिना चाहे अनचाहे रूप से बढ़ने लगते हैं। व्हाट इज कैंसर? द ग्रोइंग ऑफ अनवांटेड सेल्स, यानी कि जो सेल्स हम नहीं चाहते वो वृद्धि करने लगे। तो ऐसा है, तब होता है जब मस्तिष्क से उन टिश्यूज का कनेक्शन टूट जाता है, तो टिश्यूज ऑटोमेटिकली सेल्स को ग्रो करने लगते हैं और उनका संख्या निर्धारित नहीं होता, वो असंख्य मात्रा में विकास करने लगते हैं। तो बॉडी के बहुत से ऐसे पार्ट्स में
ट्यूमर जैसी स्थितियां क्रिएट होने लगती हैं। अब जनरली क्या होगा, स्किन में भी ऐसे ही होगा, स्किन अपने आप जो है वो विभिन्न प्रकार से विकृत होने लगेगी, स्किन के टिश्यूज टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत कॉमन होंगे और सीधे यूवी से इन पर अटैक करेंगे और स्किन के टिश्यूज टूटेंगे तो वो अपने आप सेल्स को जनरेट करेंगे, अनवांटेड सेल्स विकसित होने लगेंगे, तो हमारे शरीर के ऊपर जो स्किन है उसका कैंसर और ये बढ़ती हुई मात्रा में ब्लड में प्रवेश कर जाएगा और मृत्यु की कारण बनने लगेगा। इस प्रकार से देखा जाए तो कैंसर, स्किन कैंसर एक प्रॉब्लम है। दूसरा है डैमेज टू प्लांट। डैमेज टू प्लांट्स यानी पेड़ों को नुकसान, क्षति पहुंचेगा और काफी बड़े पैमाने पर देखा जाए तो सभी प्रकार के पौधों को नुकसान होगा। सबसे पहले समुद्री पौधों को ज्यादा नुकसान होना शुरू हो जाएगा क्योंकि समुद्र की सतह के ऊपर जो बड़े पैमाने पर पौधे पनपे हैं वो धीरे धीरे, वो कोमल है और धीरे धीरे डेड होने लगे। उनके डेड होने से समुद्र के किनारे जो है वो भी पौधे डेड होंगे। इनके डेड होने से जो समुद्री जल जीवन है वो प्रभावित होगा क्योंकि सूक्ष्म जीव जो समुद्र में पनप रहे हैं इन पौधों के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनके लिए जीवन जीना मुश्किल होगा। ये छोटे छोटे जीव जो समुद्र में पनप रहे हैं जब ये डेड होने लगेंगे, इनकी इनका डेथ होगा या ये एक्सपायर होने लगेंगे तो इन पर आश्रित जो छोटे जंतु हैं जीव के समुद्र के, जैसे छोटी छोटी फिशेस झींगा मछलियां, ये भी प्रभावित होने लगेंगी। अगर छोटी छोटी मछलियां ये मरने लगेंगी तो बड़े बड़े मछलियां और बड़े बड़े जीव इन छोटी छोटी मछलियों पर आश्रित, उन पर प्रभाव पड़ने लगेगा। परिणाम स्वरूप पूरा जो समुद्री जल तंत्र है वो बिगड़ जाएगा। ओशन या सी इकोलॉजी, सी इकोसिस्टम प्रभावित होगा। सी इकोसिस्टम प्रभावित होगा तो बड़े पैमाने पर जीव जंतु मरने लगेंगे, सड़न उत्पन्न होगी और बैक्टीरिया और वायरसेस बनेंगे। अब मे बी कोरोना इज एन एग्जांपल ऑफ दैट, मे बी ये माना जा सकता है कि कुछ ऐसा तो हुआ है प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या प्रकृति में ऐसा अनायास कुछ उत्पन्न हो जाना, अगली बात समझे तो पूरे प्लांट्स को नुकसान होगा, पौधों को नुकसान होगा, प्लांट्स और पौधों से हमारा तंत्र जुड़ा हुआ है तो पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित होने लगेगा। तो ये देखा जाए तो बहुत बड़ा नुकसान पृथ्वी को जीवन में, जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा। इसके बाद अन्य नुकसानों को देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब समझिए मोतियाबिंद। अब बेसमय मोतियाबिंद, क्लॉडिंग द लेंस इनसाइड द आई व्हिच डिक्रीजेस द विजन, यानी असमय मोतियाबिंद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। मोतियाबिंद का मतलब होता है आंखों के अंदर जो हमारी प्राकृतिक लेंस है उसका ठीक से बढ़ ना पाना और ठीक से वापस अपने स्थान पर ना पाना। हमारी आंखें एक प्रकार से एक कैमरे की तरह वर्क कर रही थी जिसमें लेंस लगा है और ये प्राकृतिक लेंस है, जब हमें दूर देखना होता है तो ये एक्सटेंड करते हैं और जब पास देखना है तो ये क्लोज करते हैं, और जैसा हमें दूर देखना है तुरंत बढ़े और जैसे पास में से तो हम इजीली हम मूवेबल होते हैं, हमारे आंखों में फ्लूइड है और जो आसानी से इसको मूवेबिलिटी बनाया हुआ है। लेकिन सपोज करें कि स्थिति ऐसी हो कि ये एक्सटेंड हो और फिर वापस आने में इसे टाइम लगे तो फिर हमें देखने में प्रेशर करना पड़ेगा, हम प्रेशर से देखेंगे और फिर इसी स्थिति को उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद। जनरली बढ़ती उम्र के साथ ये ऐसा होता है तो बढ़ती उम्र के साथ ऑपरेशन के माध्यम से इसे सुधार किया जा सकता है और नए लेंस को लगा दिया जाता है जिसे 10 से 12 साल तक आर्टिफिशियल लेंस के सहारे हमारी आंखें अच्छे से प्रॉपरली बन करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ ऐसा होता है, लेकिन अगर छोटी उम्र में 5 साल के बच्चे और 10 साल के बच्चों में अगर मोतियाबिंद होगा तो तभी तो पूरा जीवन 60 से 70 सालों का जीना है और फिर वो लेंस 10 से 12 साल बाद बदलवाते चलेंगे और एक आंखें एक लिमिट तक लेंस को बर्दाश्त कर पाएंगे। आर्टिफिशियल लेंस अब कितना होता है, मतलब कहा जाए तो हमारे लिए ये कितना नुकसानदायक और कितना विनष्टकारी होगा। चौथा जो देखा जाए वो नुकसान है रिडक्शन टू प्लांटेस, प्लैंकटन मतलब समुद्री जल जीवन, मैंने भी इसकी चर्चा की है, समुद्री जल जीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। ओजोन होल की बात कर लिया जाए तो हाल ही के एक सर्वे में बताया गया कि अटलांटिक जोन पर लगभग 33% ओजोन की मात्रा की कमी देखी गई, 33% ओजोन की मात्रा 1975 के
1975 के तुलना में अगर हम देखें तो लगभग 45 साल में जो 45 साल पहले ओजोन की मात्रा ओजोन मंडल में थी उसमें से 33% डिग्रेडेशन हुआ है। लेकिन एक अच्छी खबर, 2018 के एक रिकॉर्ड के अनुसार ये देखा गया कि अब हम रिकवर कर रहे हैं। ये अभी मैंने न्यू ऑब्जेक्शन स्टडी किया था तो अब हम रिकवर कर रहे हैं, धीरे धीरे रिकवरिंग प्रोसेस शुरू हो गई है और लगभग 5 साल में हम इसको कुछ परसेंटेज में रिकवर करने के प्रोसेस में है और ये घटने की बजाय अब सुरक्षित स्थिति में पहुंचता है। इसका कारण है सीएफसी यानी क्लोरो फ्लोरोकार्बन, जिस पर भी मैं आगे अध्ययन भी कराऊंगा। सीएफसी धीरे धीरे बैंड हो जाना, सब सीएफसी के बैंड होने की वजह से जो एटमॉस्फेरिक ओजोन लेवल है वो धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। ये ओजोन जो होल है ये देखा जाए तो अटलांटिक स्प्रिंग अर्थात सितंबर से दिसंबर के मध्य उत्पन्न मौसम की पश्चिमी हवाओं के चलने की वजह से उत्पन्न होता है और धीरे धीरे ओजोन होल की मात्रा देखा जाए ओजोन में छिद्र होना देखा गया है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर ओजोन होल के विषय में समझाया। अब मैं आपको अगले वीडियो में सरफेस ओजोन के विषय में यहाँ पर चर्चा करूंगा। तो सरफेस ओजोन की बात करते हैं आज। सरफेस ओजोन यानी लो लेवल ओजोन, जिसे हम सतही ओजोन भी कहते हैं। अभी मैंने आपको इस पूर्व वाले वीडियो में ओजोन मंडल के विषय में बताया, ओजोन क्या है ये बताया। अब मैं आपको सरफेस ओजोन के विषय में बताऊंगा। तो ओजोन की संरचना वो चाहे पृथ्वी पर, पृथ्वी की सतह पर पाई जाए या समताप मंडल में, ओजोन परत में एक समान ही रासायनिक तत्वों से निर्मित होती है। ओजोन परत मानव को सूर्य से आने वाली परावैज्ञानिक किरणों से रक्षा प्रदान करती है, क्योंकि ओजोन परत पर्यावरण के उच्च स्तर पर विद्यमान है जहां पर मानव इनमें सीधे प्रभावित नहीं। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक पर्यावरणीय प्रदूषक है। इसकी उत्पत्ति सीधे कार इंजन व औद्योगिक गतिविधियों से नहीं होती, वरन इसकी उत्पत्ति हाइड्रोकार्बन व नाइट्रोजन से युक्त वायु का सूर्य की किरणों के साथ प्रतिक्रिया के दौरान होती है, जो कि हवा के माध्यम से लाखों किलोमीटर तक प्रत्यक्षता वायु प्रदूषण का स्रोत बनता है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली प्रकृति के माध्यम से भी उत्पन्न होती है और विभिन्न हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजनस युक्त वायु का एटमॉस्फेयर में जाने से भी होता है। अब हाइड्रोकार्बन जनरली हुआ ये कि जब मनुष्य ने पेट्रोल की खोज की तो पेट्रोल डीजल इसने मानव की गति को और बढ़ा दिया, लेकिन जितना इसने मानव की गति को नहीं बढ़ाया उतने उससे कहीं ज्यादा इसने मानव के जीवन की दुर्गति ला दी, एटमॉस्फेयर में दुर्गति उत्पन्न कर दी। क्योंकि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से युक्त अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स थे जो बड़े दबाव के साथ पृथ्वी के गर्भ में समाहित थे। मैंने इससे पूर्व वाले वीडियो में आपको ये बताया है कि हाइड्रोकार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई, हाइड्रोकार्बन किस प्रकार से पृथ्वी में आए और उनका कैसे ये अपना वर्क करते हैं। तो हाइड्रोकार्बन बड़े प्रेशर के साथ एनर्जी को अपने अंदर समाहित रखते हैं और जैसे ही इन्हें हमने पेट्रोल डीजल के रूप में प्रयोग करा इसने बड़ी पैमाने पर एनर्जी लिया और हाइड्रोजन और कार्बन अलग हो गए। अभी कार्बन ये हाइड्रोजन ये एमिट होकर एटमॉस्फेयर में फ्री आयंस के रूप में विद्यमान हो गए और अनसैचुरेटेड कंपाउंड के रूप में जाकर के इसने ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर दिया। ओजोन लेयर डिप्लीट होने लगा। इसके साथ साथ सिर्फ ओजोन लेयर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्वों से रिएक्शन शुरू किया। अब ये हाइड्रोकार्बन जो थे ये जब पृथ्वी के ऊपर सतह पर विद्यमान हुए तो ये अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स जो पृथ्वी की सतह पर ही है, ना ही केवल समताप मंडल में बल्कि पृथ्वी की सतह पर है, उनको भी प्रभावित करना इसने शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप नए प्रकार से ओजोन का निर्माण पृथ्वी की सतह पे होने लगा। अब ये ओजोन अगर मंडल तक पहुंचता है तो ठीक है, लेकिन अगर ये ओजोन मंडल ना पहुंचकर ओजोन साधारण रूप से हमारे एटमॉस्फेयर में विद्यमान हो जाता है तो ये हमें नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड एलिमेंट है। अब पता चल रहा है कि ये हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है तो हमारे शरीर में विखंडन पैदा कर रहा है, नुकसान कर रहा है। ओजोन कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे एल्डिहाइड के साथ सीधे ही प्रतिक्रिया करता है तथा वायु से उन्हें हटाना शुरू कर देता है, जो कि स्मॉग के प्रमुख तत्व हैं जैसे पेरोक्साइल नाइट्रेट यानी पैन का निर्माण करता है या बनाता है जो आंखों में जलन पैदा करता है। तो आप देखते हैं जल्दी जब हम गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो
पता चला कि हम बड़े भीड़ भाड़ के युग में किसी स्थान पर रुके हैं और काफी देर तक वहां रुके हुए हैं, तो हमारी पता चला सिग्नल पोस्ट पे रुके हैं और लगभग इतनी भीड़ है कि हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही है, सब तरफ से जो है धुएं निकल रहे हैं। तो उस वक्त एक पैन नामक गैस का निर्माण हो रहा है जो कि आंखों में धीरे धीरे जलन का कारण बनता है, आंखें जलने लगती है, चुभने लगती है, परिणाम स्वरूप हमारे लिए ये घातक कार्य करता होता है। सतही ओजोन या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का जीवन काल लगभग 22 दिन तक होता है। तो जो ओजोन बना निर्मित हुआ है एटमॉस्फेयर में निर्मित हुआ है, हम सतही ओजोन कहते हैं। ये ओजोन विभिन्न प्रकार के अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट करते करते धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है, एंड हो जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया होते होते भी 22 दिन का वक्त लग जाता है। सतही ओजोन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि मानव इनको श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपने शरीर में प्रवेश कराते हैं, क्योंकि इनका निर्माण विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, जिससे अस्थमा या हृदय से संबंधित विभिन्न समस्याएं जन्म लेती है, जिससे मुख्यतः बच्चे व अधिक उम्र के लोग प्रभावित होते हैं। सतही ओजोन के जो प्रमुख स्रोत हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वायु से जुड़े बड़े उद्योगों द्वारा प्रदूषकों द्वारा छोड़ा जाना, जैसे रिफाइनरीज, कोल रिफाइनरीज, पावर प्लांट्स, ये सारे जो है कहा जाए तो पॉल्यूटेंट्स जो कि एयर में इंडस्ट्रीज के माध्यम से फैलते हैं। दूसरा स्रोत है वाहनों द्वारा वायु को प्रदूषित करना, अभी मैंने इसकी चर्चा की, हाइड्रोकार्बन के निर्माण से जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही साथ ही क्या कर रहे हैं, ये हमारे सीधा प्रभावित कर रहे हैं, हमें सीधा प्रभावित करते चल रहे हैं और काफी हद तक एटमॉस्फेयर में ओजोन का निर्माण करने लगते हैं। दूसरा है घरों में विभिन्न रासायनिक तत्वों का छिड़काव। जनरली आपने देखा होगा कि घरों में विभिन्न रासायनिक तत्वों का छिड़काव हम करते हैं, स्प्रे कर दिया, अब आपने परफ्यूम लगाया, तो परफ्यूम वास्तव में क्या है, अगर हम देखें तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अंडर हाई प्रेशर उसको एक बॉटल में बंद कर दिया गया है और वो जैसे ही रिलीज होगा वो तुरंत स्टिक करेगा कहीं ना कहीं अपने आप को कंप्लीट करने के लिए। अनसैचुरेटेड कंपाउंड है तो वो अपने आप को कंप्लीट, अपने ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना चाहेगा, परिणाम स्वरूप वो विघटन पैदा करेगा, यानी कि किसी भी सैचुरेटेड कंपाउंड को भी तोड़ सकता है पर, और जिससे कि अनसैचुरेशन की स्थितियां अन्य गैसेस के रूप में विद्यमान हो जाएगी, परिणाम स्वरूप हमें नुकसान होगा। तो घरों में जो हम छिड़काव करें, कई बार पेस्ट कंट्रोल के लिए छिड़काव करते हैं, तो वो भी गैसेस नुकसान के रूप में, नुकसानदायी रूप में हमें दिखाई दे रही होती है। अब अगर हम बात करें सतही ओजोन से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो पहला आंखों में जलन, आई इरिटेशन, दूसरा असमय मृत्यु का कारण प्री मैच्योर डेथ भाई अस्थमा, तीसरा चौथा ब्रोंकाइटिस यानी लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की प्रॉब्लम, पांचवा हार्ट अटैक का आना, और छठा है अदर कार्डियोमेट्री प्रॉब्लम्स यानी बहुत से अन्य हृदय से संबंधित रोग। मैंने आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ओजोन, ओजोन मंडल और सरफेस तीन तत्वों के विषय में बताया, अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की चर्चा करूंगा। इसमें सबसे पहले बात करूंगा मिस्टर ओजोन। मिस्टर ओजोन भारत के प्रोफेसर के आर रामानाथन द्वारा वायुमंडलीय ओजोन पर विभिन्न महत्वपूर्ण योगदान एवं अंटार्कटिका में डॉक्सन ओजोन स्पेक्ट्रोफोटोमेटा स्टेशन की स्थापना करने के कारण उनको मिस्टर ओजोन के नाम से जाना जाता है। तो के आर रामानाथन जो भारत के आर रामानाथन है, उन्हें मिस्टर ओजोन की संज्ञा दी गई है। इसी क्रम में कुछ और भी फैक्ट्स आते हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान इत्यादि। तो स्वच्छ भारत अभियान इज अ कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज दैट इज सिचुएटेड इन मेनी सिटीज एंड टाउन्स। तो मैंने आपको यहाँ पर ओजोन के विषय में बताया। तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान मैंने अभी आपसे चर्चा की, कैंपेन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्लीन द स्ट्रीट्स, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्रीज 4041 स्टैट्यूटरी सिटीज एंड टाउन्स। इट इंक्लूड्स एंबेसडर्स एंड एक्टिविटीज सच एज रन नेशनल रियल टाइम मॉनिटरिंग और स्प्रेड ऑफ अनअपडेटेड एनजीओस प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पर सभी प्रकार से भारत को स्वच्छ करने का अभियान चलाया गया और काफी बड़े पैमाने पर यह अभियान जो है वो सफल हुआ, लेकिन फिर उसके बाद ये है कि शुरुआती दौर में तो काफी बड़ा प्रैक्टिस था, काफी ज्यादा इस पर लोगों ने, लेकिन फिर आगे हमने देखा कि ये फिर वहीं अपनी स्थिति में पहुंच गया। अतः गवर्नमेंट को और लोगों को फिर से सोचना होगा कि इस पर जितना हो सके वो
प्रयास किया जाए इसको ग्रोथ करने के लिए और इस अभियान को पुनर्स्थापित करना जरूरी है। इसके अलावा कैंपेन की विषय में हमने बात किया जाए तो 2 अक्टूबर 2014 को इस कैंपेन को ऑफिशियली ऑर्गेनाइज किया गया, लॉन्च किया गया और राजघाट नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। इट इज इंडियाज लार्जेस्ट एवर क्लीनिनेस ड्राइव विद 3 मिलियन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रैक्टिसिंग पार्टिसिपेटिंग इन द कैंपेन। और इस रूप से देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने भाग किया, भागी हुए लगभग 3 मिलियन से ज्यादा एम्प्लॉइज भारत सरकार के, इसके अलावा स्कूल और कॉलेजेस के स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अन्य जो तत्व की बात की है, फैक्ट की बात करें तो गवर्नमेंट इज एमिंग टू अचीव एन ओपन डिफेक्शन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019, 158 एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ऑफ महात्मा गांधी बाय कंस्ट्रक्टिंग 12 मिलियन टॉयलेट्स इन रूरल इंडिया एट अ प्रोजेक्टेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 1.96 लाख करोड़। तो ये एक प्रोग्राम था जिसके तहत 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में स्वच्छता को, शौच को, खुले में शौच जाने वाली प्रक्रिया को समाप्त कर देने का प्रयास करना था। गवर्नमेंट इस पर काफी हद तक इसको प्राप्त कर ली, इसने सफलता प्राप्त करी, लेकिन उसके बाद भी अभी ये पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुई है, गवर्नमेंट इस पर प्रयास कर रहा है। इसके अलावा इसी अभियान के तहत मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 11 पब्लिक फिगर्स, 11 पब्लिक लोगों को चयन किया गया जो इसके प्रमुख रूप से एम्बेसडर के लिए काम करेंगे, इसका प्रमोशन करेंगे, जिनमें सचिन तेंदुलकर, मृदुला सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, कमल हसन, बाबा रामदेव, विराट कोहली, सलमान खान, महेंद्र सिंह धोनी, शशि थरूर अपने को और तारक टीम ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल है जो आता है, उसके कुछ विशेष उसके कुछ एक्टर्स को भी ग्रुप को, टीम को इसमें रखा गया। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण थे वो ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी नागरिकों को भी इसमें एम्बेसडर बनाया गया है। एक प्रकार से सभी का दायित्व है कि भारत में स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाए। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एम वेंकैया नायडू पिक्ड अप अ ब्रूम टू क्लीन टू हेल्प क्लीन द साइक्लोन हिट पोर्ट सिटी ऑफ विशाखापट्टनम इन द साउदर्न स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ क्लीनिनेस कैंपेन। वेंकैया नायडू जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है, उस समय उन्होंने विशाखापट्टनम में जो कि उस भारी साइक्लोन द्वारा प्रभावित शहर था, पूरी तरीके से वो कहा जाए डिस्टर्ब हो गया था, बुरी तरह से विस्थापित हो गया था, उसके सुधार करने के लिए स्वयं जिम्मा उठाया। सर्च सर्विक्शन 2017 के अकॉर्डिंग 4 जनवरी 2017 को और 7 फरवरी 2017 तक में जो एक रिकॉर्ड किया गया उसके अकॉर्डिंग भारत के इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम, सूरत और मैसूर वो शहर हैं जो कि कहा जाए सबसे आगे स्वच्छ सर्वेक्षण में पाए गए हैं। स्टूडेंट्स, ये डाटा है जो है और इन्हें आप अपडेट करते चलिए स्वयं से, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, हर बार बदलते हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा। तो मैंने अभी आपको यहाँ पर कहा जाए तो अब चर्चा करेंगे ग्रीन हाउस, ग्रीन हाउस हरित ग्रह वास्तव में एक संरचना है। जनरली जब भी हरित ग्रह शब्द में हमारे मस्तिष्क में आता है या हमारे जुबा पे आता है तो हम एक कल्पना करते हैं कि हरित ग्रह वास्तव में हरित ग्रह गैसेस के रूप में उसकी चर्चा करते हैं। वास्तव में हरित ग्रह गैसेस या हरित ग्रह प्रभाव अलग तत्व है, अलग तर्क है और हरित ग्रह एक अलग कॉन्सेप्ट है। हरित ग्रह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस इज अ टेक्नोलॉजी, इसका प्रयोग जनरली ठंड देशों में किया जाता है। that has been utilized in cold areas, ठंड देशों में, जहां पर वेजिटेशन की एक बड़ी समस्या है। कुछ दुनिया के ऐसे देश, आज तो लगभग सभी विकसित देशों ने इस तकनीक को अपना लिया है, लेकिन कुछ ऐसे देश
जो वेजिटेशन के कुछ तत्वों को कभी उन्होंने सुना ही नहीं। एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आलू की बात करूं तो आपके लिए आलू कॉमन सी बात है, आलू है, धनिया है, तमाम प्रकार के साग सब्जियां हैं, कॉमन है क्योंकि आपके देश में बहुत कॉमन है। और आलू अगर ऐसा कहा जाए कि आलू कभी आपके आसपास हो ही ना, जीवन में आलू ना हो, तो आप कहेंगे अजीब बात है, आलू नहीं, आलू के बगैर तो सब्जियां नहीं। लेकिन कुछ ऐसे दोस्त देश जहां आलू या टमाटर साग सब्जी जैसी चीजें थी ही नहीं। इसका कारण था अत्यधिक ठंड देश या अत्यधिक ठंड वातावरण का होना। अत्यधिक ठंड वातावरण होने की वजह से मिट्टी में तत्व होने के बावजूद वहां पर वेजिटेशन नहीं बन पाते, वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाते। तो ऐसे देशों ने एक तकनीक का विकास किया जिसमें उन्होंने हरे रंग के कांच का प्रयोग करके सूर्य की किरणों को ट्रैप करने का प्रयास किया। ऐसे संरचनात्मक भवनों का निर्माण किया जिनमें उन्होंने सूर्य की किरणों को ट्रैप करके, पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणों को ट्रैप करके, वहां पर उस स्थान पर तापमान में वृद्धि करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप हरे रंग के कांच के घरों में तापमान में वृद्धि हो गई जो बाहर के तापमान की तुलना में उच्च, जिससे उस स्थान पर वेजिटेशन हो सका, साग सब्जी फल फूल तमाम चीज वृद्धि हो सके। ये कुछ ऐसी तकनीक है जिसमें एक सपोज कर लिए एक घर निर्मित किया जा रहा है, जिसकी सारी बाउंड्री सब तरफ से दीवार हमने किसकी बना दी, हरे रंग के कांच से। इस घर में हरे रंग के कांच से हमने सारी बाउंड्री सारी दीवारों को बना दिया, दरवाजे तक को भी हरे रंग के कांच से निर्मित कर दिया। अब दिन के तापमान सपोज करिए ठंडे देश है, नॉर्वे है, स्वीडन है, यूरोप के बहुत से ठंडे देश है, ठंड देश है, लंदन है ठंडे देश है, और हर समय बर्फ गिर रही है। दिन में 12 बजे के तकरीबन थोड़ी सी धूप निकलती है जो 1-1.5-2 बजे तक रहती है और फिर लगभग वो धूप समाप्त हो जाती है। तो अगर हम बाहर किसी बीज को बोते हैं 12 बजे, तो वे 1 बजे 2 बजे की धूप आने के बाद फिर बर्फ स्नोफॉल होगा और उस बर्फ के गिरने की वजह से वो जमीन बॉम हो जाएगी, बीज पनप नहीं। कल फिर ऐसे ही होगा कि बीज अगर 12-1 बजे थोड़ा प्रयास करेगा, मिट्टी साफ होगी, जमीन साफ होगी और बर्फ गल जाएगी, तो फिर उसके बाद 1-1.5 बजे 2 बजे के बाद बर्फ गिरने लगेगी, ठंड माहौल बढ़ेगा, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि कुछ दिन के बाद वो बीज सड़ फ्रीज हो जाएगा, परिणाम स्वरूप ग्रो नहीं कर पाएंगे। अब हमने हरे रंग के कांच के घर बनाकर इसके अंदर बीज बोने का प्रयास किया तो हमने देखा सफल। कारण कि 12 बजे के आसपास जब धूप निकली तो सूर्य की किरणें सब तरफ आई, लेकिन हरे रंग के कांच के घर में जब सूर्य की किरणें प्रवेश करी तो वो भूमि से टकराए। भूमि यानी लैंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और वो अवशोषित नहीं करेगा, हीट को वापस रिवर्स डायरेक्शन डायरेक्शन में, परिणाम स्वरूप ये उठ के ऊपर आया। हरे रंग के कांच की एक विशेष प्रयोजन है, विशेष रोल है। वो एक बार सूर्य की किरणों को अंदर तो प्रवेश करे नहीं देगा, ऊष्मा को अंदर आने देगा लेकिन ऊष्मा को बाहर नहीं जाए, एनर्जी अंदर तो आएगी लेकिन बाहर नहीं जाए, परिणाम स्वरूप वो वापस इसे रिफ्लेक्ट कर और वापस उस घर में वो ऊर्जा आएगी, फिर ये जमीन से डिटेक्ट होगा, कहां से टकराएगी और इस प्रकार से एक बीम ऑफ लाइट से, एक बीम ऑफ एनर्जी से बड़ी मात्रा में उस घर में एनर्जी उत्पन्न हो जाए।
अब यहां पर ऊष्मा बढ़ गया, साधारण रूप से बाहर का जो तापमान था वो ठंडा होना शुरू हुआ, हरे रंग के कांच के घरों की वजह से बर्फ अंदर जा भी नहीं पाई, सूर्य की किरणें ऊष्मा जो दी वो अंदर ट्रैप हो गई, काफी समय तक वो ऊष्मा ट्रैप रही और वो ऊष्मा अंदर ही अंदर घर को गर्माई, गर्मी पैदा करी, परिणाम स्वरूप ऊष्मा की मात्रा से वहां पर जो बीज है वो अब ग्रो करना शुरू कर। तो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी का विकास किया, ये ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी है जिसने एक प्रकार से ठंडे देशों में अनाज साग सब्जी फल फूल के विकास का कार्य किया, इसे कहते हैं ग्रीन हाउस हरित गृह, ठीक है, हरित गृह। ये मैंने आपको यहाँ पे हरित गृह के विषय में बताया, अब इस पर थोड़ा समय नोट्स से भी आपको क्लियर कर देता हूं। हरित गृह को ग्लास हाउस के नाम से भी जाना जाता है, या बिल्डिंग व कॉम्प्लेक्स होते हैं जहां पौधों को उगाया जाता है। एक लघु हरित गृह को गोल्ड फ्रेम के नाम से जानते हैं। ग्रीन हाउस एक संरचनात्मक भवन होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शीशे व प्लास्टिक से इनकी छतों व दीवारों को निर्मित किया जाता है। हरित गृह में इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो प्रायः ठंड देशों में नहीं उगाए जा सकते। हरित गृहों का प्रयोग प्रायः अत्यधिक ठंड देशों वाले देशों में किया जाता है जहां सामान्यतः फसलों की उपज हेतु मौसम प्रतिकूल पाया जाता है, यानी इंटेंस कोल्ड रीजंस में इनका प्रयोग होता है। इस तकनीक के अंतर्गत सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को एक क्षेत्र विशेष में संग्रहित कर लिया जाता है, अतः हरे रंग के शीशे व प्लास्टिक इन्हें लंबी अवधि तक परावर्तित होकर वायुमंडल में वापस जाने से अवरोध उत्पन्न कर, जिससे उस क्षेत्र विशेष में सामान्य तापमान से उच्च तापमान का निर्माण होता है जो वनस्पति फलों सब्जियों आदि के लिए सहायक होता है। यहाँ पे मैं आपको एक चित्र एक फोटो दिखा रहा हूँ जो दुनिया के सबसे बड़े हरित गृह का है, द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस इन द वर्ल्ड, द ईडन प्रोजेक्ट, जो की कॉर्नवेल यूके में, कॉर्नवाल यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में स्थित है। ये आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। इसके संबंध में मैं आपको और भी जानकारी शेयर करना चाहूंगा, स्क्रीन को मैं शेयर करूंगा। स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको स्क्रीन? जी सर दिख रहा है। द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट इज द विजिटर अट्रैक्शन इन कॉर्नवेल एंड इट इज होम टू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस, ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस है। इनसाइड द आर्टिफिशियल बायोमास आर प्लांट्स दैट आर कलेक्टेड फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और पूरे विश्व से जितने भी अधिक बायोम्स हो सकते हैं, बायोम्स का मतलब यानी को लाने का प्रयास किया गया। The project is located in a reclaimed Quelanid pit, clay, China, located 1.25 miles from the town of State Village and 5 kilometers from the larger town of Saint Osel Cornwall. यानी ये Saint Osel Cornwall के पास स्थित है। The complex is dominated by two huge enclosures consisting of adjoining rooms that houses thousands of plant species. अब यहाँ पर क्या किया गया, हजारों प्रकार के जो है प्रजातियों का निवास बनाया गया, यानी ये बहुत attractive बनाया गया है, जीव जंतु सभी प्रकार के लाए गए, इसके साथ ही साथ जितने भी biomes हो सकते हैं, biomes का मतलब यहाँ पर वनस्पति से लगभग सभी वनस्पतियों को लाकर यहाँ उगाया गया, यानी आपको वो फल जो भारत में भी नहीं है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, टमाटर आलू से लेकर के प्याज तक सब कुछ बनाया जाएगा, यहाँ हर प्रकार से जो साधारण रूप से वेजिटेटिव चीजें हो सकती हैं उसको उगाने का प्रयास किया गया है, यानी आपको एक ही जगह पर
काजू के भी पेड़ मिलेंगे और उसी जगह पर आपको टमाटर के भी पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि ग्राउंड नट भी होगा और ऊपर आपको कैशियो नट भी मिलेगा। ग्राउंड नट और कैशियो नट यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं। The first dome emulates a tropical environment and the second is a Mediterranean environment। अब इसमें प्रयास किया गया है लेवल बढ़ाते हुए घटाते हुए, जैसे हर प्रकार की लेवल के अकॉर्डिंग, जैसे जितना टेम्परेचर एक स्थान पर काजू को तो काजू की दृष्टिकोण से और कितना टेम्परेचर एक स्थान पे टमाटर या आलू के लिए चाहिए, तो उसके लिए हर प्रकार का अलग अलग यहाँ पे ग्रीन हाउस बनाकर के। Now we are observing some pictures of greenhouse, so you are observing that ये आप देख सकते हैं रात का वो नजारा जब इन ग्रीन हाउसेस को बड़े सुंदर तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे इग्लू यानी कि बर्फ के घरों में रहने वाले लोगों का घर, बहुत सुंदर नजारा। अब दूर से देखें सर सर ये एक चंडीगढ़ में भी है, कैक्टस पार्क बनाया हुआ है कैक्टस का, उसमें बहुत सारे तरह के कैक्टस हैं और वो मुझे पता नहीं था इसको ग्रीन हाउस बोलते हैं, वो मैंने देखा है वो एग्जैक्टली इसी तरह से मेंटेन करा हुआ है और बहुत बड़ा है। नहीं भारत में भी एक्सपेरिमेंटल रूप से बनाया गया है, मैंने वहां देखा, लेकिन चूंकि यहाँ का तापमान इतना सर्वाइवल बेस्ट है कि वेजिटेशन के लिए भारत में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठंड चंडीगढ़ हरियाणा शिमला तो वहां पर थोड़े बहुत इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन भारत में चूंकि नॉर्थ इंडियन फर्टाइल प्लेन और साउथ इंडियन प्लेन इतना ज्यादा सक्षम है कि हम वेजिटेशन को पा देते हैं और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भारत में ये इजी है, क्योंकि ये बहुत खर्चीला प्रोजेक्ट होता है, इतना कांच वगैरह लगाना, इतना सब कुछ प्रोजेक्ट बनाना, इतने ज्यादा यहाँ पे एम्प्लॉइज को करना और बायोम्स को सुरक्षित रखना, ये एक प्रकार से भारत के पॉइंट ऑफ से बहुत खर्चीला है और नीड भी नहीं है, लेकिन ठंडे देशों में सर वो वेस्ट मटेरियल से जो वहाँ का रॉक गार्डन है ना, उसमें जो जब सामान इकट्ठा करा गया था कई सालों तक, तो उसमें जो कांच इकट्ठा हुआ था उसको रेनोवेट करके फिर बनाया गया। बहुत बड़ा है सर, अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे कि टूरिस्ट बन जाता है, क्योंकि फिर जाहिर सी बात है हर किसी का मन होगा कि एक ही स्थान पे काजू कैसे उग रहा है और एक ही स्थान पे टमाटर और आलू भी उगते हुए दिख रहा हो, तो काजू के पौधे अनार के पौधे और टमाटर आलू हर प्रकार के वेजिटेशन को बनाए रखने के दृष्टिकोण से इनका निर्माण किया गया है। और भी कुछ फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये देखिए बड़े पैमाने पे फैला हुआ है प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के विषय में कुछ लिखा है, द प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड बाय सर्च एंड डिजाइन बाय आर्किटेक्ट निकोलस ग्रिमशॉ एंड इंजीनियरिंग फर्म एंड एंथनी एसोसिएट्स नाउ पार्ट ऑफ सिंक्लेयर नाइट मर्ज डेविस लैंडन कैरीड आउट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर रॉबर्ट मैक अल्पाइन एंड अल्फ्रेड मैक अल्पाइन डिड द कंस्ट्रक्शन एंड न्यू डिजाइन एंड बिल्ड द बायोम्स Land use consultants led the master plan and landscape design. The project ढाई साल इस project को लगा बनने में और 17 मार्च 2001 को ये public के लिए जारी किया। ऐसी बात है, आज 20 साल पहले से इंग्लिशों ने इसका विकास किया हुआ है। इसमें जो विचारक हैं, जाहिर सी बात है examination में इतने depth में नहीं जाएगा कि project को किसने conceive किया या किसने बनाया या इसके परियोजना किसने निर्मित किया, तो ये बस इतना ही क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कौन है, तो आप उसी पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ईडन प्रोजेक्ट जो कि कॉर्नवेल और यूनाइटेड किंगडम में कॉर्नवेल स्थान पर स्थित है। और भी पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर, दूसरी काफी फोटोग्राफ्स यहाँ पे कलेक्ट किया गया है। अंदर से देखिए कुछ ऐसा दिखता है अंदर से, क्योंकि आप ऊपर से देख रहे हैं कांच लगाए गए हैं और पूरा अंदर से बायोम्स विकसित किए गए। अंदर रोड भी बनाई गई है कि आप पकड़े जा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल इस प्रकार से लगेगा कि कंपनी बाग विकसित कर दिया गया पंडेरिया में और आपको बढ़िया हरियाली मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि कंपनी बाग में गंदगी मिलेगी, गंदगी नहीं मिलेगी। तो कंपनी बाग इलाहाबाद में सबसे अच्छा घूमने का स्थान है, तो यहाँ बात करेंगे देख रहे कैसे कैसे विशेष प्रकार के बायोम्स रखे गए हैं और बड़ा सुंदर पार्क किया गया है हर प्रकार की।
बहुत ही सुंदर, बड़ा सुंदर सजाने का प्रयास किया गया, और बनाया गया है, काफी अच्छा विजुलाइजेशन है। चलिए नोट्स पे वापस चलते हैं। इफेक्ट, एज यू ऑल नो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ग्रीन हाउस क्या हरित ग्रह, मैं इस पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हरित ग्रह एक प्रकार का संरचनात्मक भवन है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग है, जो प्रायः ठंड देशों में बनाया जाता है, ठंड देशों में इसका निर्माण किया जाता है, जिसमें हरे रंग के कांच के घर या शीशे के घर या प्लास्टिक के घरों का निर्माण किया जाता है, जिनके सारे बिल्डिंग पे दरवाजे खिड़की हर जगह हरे रंग के कांच के कांच लगाए जाते हैं, प्लास्टिक लगाए जाते हैं, जिससे सूर्य की किरणें इस घर में प्रवेश कर सकें, और प्रवेश कर तो सकें परंतु बाहर नहीं कर सकें, क्योंकि हरे रंग की कांच की विशेषता है कि वो सूर्य की ऊष्मा को अंदर आने देगी पर बाहर नहीं जाने देगा। भूमि पहले से ही बैड कंडक्टर ऑफ हीट माना जाता है, यानी ऊष्मा का अवशोषण नहीं करेगा, ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, और हरे रंग के कांच के घर में देखते देखते ऊष्मा सामान्य तापमान से बढ़ जाएगी। ऊष्मा बढ़ जाने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन पनप सकेगा और अच्छे से यहाँ पर वेजिटेशन हो सकेगा। हरे रंग के कांच के घरों की विशेषता हमें हरे रंग प्रभाव, हरे रंग के हरे हरित ग्रह प्रभाव की ओर ले चलता है। जिस प्रकार से हरे रंग के कांच के घरों में ऊष्मा हम आर्टिफिशियली बढ़ाते हैं, फिर ठीक उसी प्रकार से प्रकृति में पर्यावरण के स्वरूप, पर्यावरण की वजह से उत्पन्न एक या नकारात्मक प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दर्शाना चाहूंगा कि किस प्रकार से प्रकृति में पर्यावरण की वजह से एक नकारात्मक प्रक्रिया होता है। यह हमारी पृथ्वी है जो कि विभिन्न गैसेस से निर्मित है, और इस पृथ्वी में धीरे धीरे इंडस्ट्रियल गतिविधियों के बढ़ने की वजह से, पॉल्यूटेंट्स के बढ़ने की वजह से, हाइड्रोकार्बन्स के बढ़ने की वजह से विभिन्न अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स फैले, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स ने क्या किया, पृथ्वी में एक विभिन्न अनसैचुरेटेड गैसेस का निर्माण करना शुरू कर दिया। अब अनसैचुरेटेड गैसेस में कौन कौन से गैसेस हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, CH4 मीथेन हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड हो सकता है, N2O हो सकता है, और ओजोन हो सकता है, और CFC हो सकता है। इन गैसेस ने पृथ्वी को लगभग सब तरफ से घेर लिया है, यानी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में हम इसकी बड़ी हुई मात्रा देखते हैं, पाते हैं। अब पृथ्वी में ये अनसैचुरेटेड एलिमेंट्स सब तरफ से पृथ्वी के तापमान को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सपोज करिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन जिसे हम सरफेस लेवल ओजोन कहते हैं, और CFC पृथ्वी को सब तरफ से घेर लिया। सूर्य से आने वाली किरणें, परावैगनी और अनुकिरणें, वो पृथ्वी के अंदर तो पृथ्वी के पास आएंगी और पृथ्वी के अंदर प्रवेश करेंगी, लेकिन ये देखा गया कि इन गैसेस एक प्रकार से हरे रंग के कांच का रोल अदा कर दिया, ये इन्हें बाहर नहीं जाने देंगे और वापस रिफ्लेक्ट करेंगे पृथ्वी के ऊपर, परिणाम स्वरूप समान सतह का तापमान रूप कर जाएगा, उठ जाएगा, और पृथ्वी के ऊपर का तापमान बढ़ेंगे। देखते देखते ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न होने लगी। ग्लोबल वार्मिंग, पृथ्वी का जो सामान्य तापमान था वो दिन में बढ़ा और रात को ठंडा हो गया। लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और तमाम प्रक्रियाओं के माध्यम से देखा गया कि दिन में तापमान बढ़ा और रात को ठंडा हो गया, परंतु अगर हम देखें तो यहाँ पर पृथ्वी में दिन में तापमान बढ़ा परंतु रात को ठंडा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि जो एटमोसफेयर में, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, इसको देखते चलिए, और पृथ्वी के चारों ओर कुछ गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC ने एक घेरा बना दिया। ये हरे रंग के कांच का रोल अदा कर रहे हैं, हरे रंग के कांच के घरों जैसा रोल अदा कर रहे हैं। सूर्य से किरणें आईं, ऊष्मा लाईं, पृथ्वी के अंदर ऊष्मा आया,
पृथ्वी की भूमि जो है वो बैक कंडक्टर ऑफ हीट है, ये ऊष्मा को वापस अंतरिक्ष में भेज देगा, परंतु वापस अंतरिक्ष में ऊष्मा जा नहीं पाई क्योंकि ये जो घेरा बना रखा है गैसेस का, इन गैसेस ने इसे ऊष्मा को ट्रैप कर लिया, पृथ्वी पर बड़ी मात्रा में ऊष्मा को वृद्धि कर दिया, परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति देखने को मिली। इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक और समस्या हुई, वो भी आइसलैंड आइसबर्ग्स का गलना, परिणाम स्वरूप आइसबर्ग्स गलने लगे और बादल वृद्धि होने लगी, यानी वाष्पन भरा, प्रेसिपिटेशन होने लगा और पृथ्वी पर ये बादल निर्मित। आपको सच बता दें, बादल सबसे बड़ा ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने का और रोल अदा करने का, यानी गैसेस के रूप में देखें तो इन गैसेस का तो रोल है ही, लेकिन वाटर वेपर, अगर आप समझिएगा, वाटर वेपर यानी H2O वो लगभग 36-70% मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने के लिए। बाकी अदर्स को हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 36% तक कह सकते हैं, और मीथेन की बात करें तो 4 से 9% तक, और नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो ये 3.5 से 4% तक, और ओजोन की बात करें तो 3 से 7% तक, और जिप्सी भी लगभग 2 से 3% तक। यहाँ पर अगर अब देखें तो लगभग 26 से 70% तक सबसे बड़ा रोल हो जाता है वाटर वेपर का, यानी बादलों का। अब बादल क्या होते हैं? बादल पानी के घेरे हैं जो पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी को चारों तरफ से घेर लिया और पृथ्वी पर नीचे अंदर ऊष्मा बढ़ गई और वो जब वापस जाना चाह रही है तो ऊष्मा को वापस जाने नहीं देगा, नेगेटिव रोल अदा करेगा, इस प्रकार से कांच का घर बना देगा, पृथ्वी को कांच की घर के रूप में ढक डालेगा और पृथ्वी को चोट पहुंचाएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया की वजह से देखा गया कि पृथ्वी पर ऊष्मा की वृद्धि होने लगी, हर रंग के कांच घर निर्मित हुए। यहां पर इस प्रभाव को हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस प्रभाव को कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, यह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी ग्रह के सतह में परिवर्तित होने वाली किरणें वापस अंतरिक्ष में जाने से अवरोधित कर दिया जाता है, यह अवरोध प्रायः पृथ्वी की सतह के ऊपर मौजूद हरित गृह गैसों के द्वारा होता है, परावर्तित होने के उपरांत ये किरणें वापस पृथ्वी की सतह पर पुनः परिवर्तित कर दिए जाते हैं, परिणाम स्वरूप सतह का सापान तापमान में वृद्धि या बढ़ोतरी महसूस होने लगती है, जिससे वैश्विक तापमान वृद्धि आदि समस्याएं जन्म लेती रहती हैं, और इसी प्रक्रिया को हरित घर प्रभाव का नाम दिया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव की मौजूदगी की जानकारी सन 1924 में जोसेफ फूरियर द्वारा दी गई। हरित ग्रह प्रभाव में गैर गैसीय तत्व की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया वाटर, वाटर जो है वो गैर गैसीय तत्व, क्योंकि ये तीनों स्वरूप में होता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, इसलिए गैर गैसीय तत्व के रूप में देखा जाए तो बादल ऐसा रोल अदा कर रहा है जो सबसे ज्यादा नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। अब वाष्पन प्रेसिपिटेशन के माध्यम से पृथ्वी की जो तापमान है उसमें और वृद्धि होने लगा। सौर मंडल में अगर हम देखें तो पृथ्वी के अतिरिक्त वीनस, मार्स, टाइटन पर भी हरित ग्रह प्रभाव देखने को मिलता है। टाइटन पे ये उल्टा यानी एंटी ग्रीन हाउस प्रभाव देखने को मिलता है, जहां जो वहां की सतह में गर्मी को हटाने का। अब वास्तव में टाइटन में आप सोचिए कि टाइटन जो कि एक प्रकार से देखा जाए तो काफी गर्म होना चाहिए, परंतु वहां गर्म होने की वजह से गर्म होने के बजाय ठंडक दिखाई, क्यों? क्योंकि वास्तव में टाइटन पे मौजूद है हीज। हीज क्या है? ये एक प्रकार से धूल का गर्द है जो 90% सोलर रेडिएशन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, परंतु वह सतह द्वारा उत्सर्जित इन्फ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करने में अक्षम होता है। हीज एक प्रकार के पारंपरिक वायुमंडलीय परिघटना है जिसमें धूल के कण, धुएं और अन्य ड्राई पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिसके कारण आकाश में स्पष्टता का अभाव देखते हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य किस ग्रह में ग्रीन हाउस इफेक्ट का उल्टा प्रभाव देखने को मिलता है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट का उल्टा प्रभाव हमें टाइटन दिखाई देता है, जो कि उपग्रह है, लेकिन अगर हम ग्रह की बात करें तो वीनस, मार्स पर भी हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है। हर ग्रह प्रभावों में मैंने आपको यहाँ पर यह चीज एक्सप्लेन किया। गैसेस क्या होती हैं ये मैंने आपको बता दिया, हरित ग्रह क्या है ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया।
हरितगृह वास्तव में, जब भी कभी आपसे कोई भी कभी पूछे इंटरव्यू वगैरह में कि भाई ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस क्या है आपने साधारण रूप से बताया, ग्रीन हाउस एक संरचना है जो प्रायः ठंड देशों में वेजिटेशन के पर्पस के लिए बनाई जाती है। और विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस जो है वो ईडन प्रोजेक्ट नाम से, ईडन प्रोजेक्ट है, ईडन प्रोजेक्ट नाम से जो कॉर्नवेल यूके में स्थित है। अब ग्रीन हाउस हो गया, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि ग्रीन हाउस में आर्टिफिशियली मानव ने विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के माध्यम से इसे उत्पन्न करने का प्रयास किया, यानी कि एक ऊष्मा ऊर्जा पर ऊर्जा को बढ़ाने का प्रयास किया, हम वही प्रकृति, वही प्रवृत्ति जब हम प्रकृति के साथ ऑटोमेटिकली होते हुए देखते हैं तो हम उसकी वजह से इसका नाम ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि इसमें हमने वही होते हुए देखा जो आर्टिफिशियली मानव ने वैज्ञानिक रूप से विकसित किया, विकसित किया ऊष्मा को बढ़ाने के लिए। ये देखा गया कि विभिन्न प्रकार के पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, व्हीकल इत्यादि के माध्यम से, हाइड्रोकार्बन से और तमाम तरह के अनसैचुरेटेड गैसेस जो पृथ्वी को पूरी तरीके से घेरता चला जा रहा है, इनमें कुछ प्रमुख गैसेस जिनमें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 यानी मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन और CFC का रोल बहुत बड़ा है। ये पृथ्वी को चारों तरफ से ठीक उसी प्रकार से ढक देते हैं जैसे कि हरे रंग के कांच के घर, हरे रंग के कांच के घर में जिस प्रकार से ऊष्मा बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार से इन गैसेस की वजह से जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है सूर्य द्वारा, उसे ट्रैप कर लिया जाता है, वापस अंतरिक्ष में जाने से रोक दिया जाता है, परिणाम स्वरूप पृथ्वी का ऊष्मा बढ़ने लगता है। ऊष्मा वृद्धि से आइसबर्ग्स और वाष्पन, आइसबर्ग का गलना और बर्फ का गलना और समुद्र का स्तर बढ़ना, और सबसे बड़ी बात वाष्पन की प्रक्रिया होती है, वाष्पन की प्रक्रिया यानी वेपराइजेशन की प्रक्रिया के माध्यम से वाटर वेपर एवोल्यूशन होता है और ये बादल में परिवर्तित होते हैं, बादलों सर संघनन बढ़ता है, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित मतलब एब्जॉर्ब करना, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। तो ये वाष्पन क्या होता है, ये परिणाम स्वरूप क्या होता है कि बादल बनता है, बादल से प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन जैसे मान लीजिए आप देखिए आकाश में जब बादल होता है तो नीचे बड़ा ह्यूमिडिटी होती है, आप कहते हो अरे बाप रे आज बड़ी गर्मी लग रही है, आज तो बर्दाश्त नहीं हो रहा, पसीना आ रहा है, क्यों, क्योंकि बादल आप ऊपर आ गए हैं और जो एटमोसफेयर में गर्मी थी वो बादल से टकरा कर वापस नीचे गिर जा रहा है, परिणाम स्वरूप हमें गर्मी का वातावरण कई घंटों तक एहसास होता है, जैसे ही बादल हटता है आपको फिर गर्मी जैसे ठंडक सा महसूस होता है, अच्छा लगने लगता है, फेवरेबल लगता है, लेकिन ह्यूमिडिटी कब बढ़ती है जब आकाश में बादल भर जाते हैं और नीचे जो तापमान बढ़ जाता है, ठीक वैसे ही स्थिति यहाँ होता है, और जिस प्रकार से साधारण से थोड़े से एटमॉस्फेयर थोड़े से स्थान पे ह्यूमिडिटी बढ़ते हुए देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये बादल विश्व को पूरी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से दो प्रॉब्लम, एक तो फ्लड आना यानी बेसमय असमय मौसम बिन समय मौसम बारिश हो जाना, फ्लड उत्पन्न, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ह्यूमिडिटी को बढ़ा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहा है। इससे देखा गया कि कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो सबसे बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर नॉन गैसीय कंपाउंड या एलिमेंट है वो है वाटर वेपर, जो 26-70% तक अपना रोल अदा करता है, और फिर है बाकी और अन्य, क्लियर, ओके, यस सर। तो इसलिए बहुत ह्यूमिडिटी है आजकल सर, क्योंकि बादल हमारे बहुत ऊपर है। हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात है बादल जब एटमॉस्फेयर में ज्यादा होते हैं तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, और इसी का कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट का? यस सर, यस सर। So, greenhouse gases, greenhouse project, greenhouse effect, you know. आज मैं आपको ये 5 pages पढ़ाऊंगा, मैं आज यहीं रुकूंगा, कल फिर मैं इसके आगे आपको फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल और सल्फर डाइऑक्साइड कई चीजों को पढ़ाऊंगा। तो अब मैं आपको ये 5 pages आप लोग इसको पढ़िएगा, अच्छे से लर्न करिएगा, मैं कल इनको पूछूंगा और आगे क्लास कर दूंगा। All right. सर मेरे साइकोलॉजी का सर आपने कोई वो नहीं करा सोल्यूशन अभी, वो मैं अभी आपका ठीक है सर, तो मैं अभी क्लास को एंड कर रहा हूँ। All right. Yes sir. Thank you sir. Okay. नमस्ते सर। नमस्ते। Thank you sir. All right.